तो ये मिस्टर खान देखिए साउंड में कैसे क्वेश्चंस आने वाले देखिए तो कंप्रेशन और एरीफेक्शन को लिंक कर रहे हैं प्रेशर के साथ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्वाइटर लोअर इन पिच सेकंड बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो अभी हम बात कर रहे थे लाउडनेस पिच टिम्बर उसको लिंक कर रहा है उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स मतलब गैस uh, में लिक्विड में और मेटल में मतलब सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कैसे चेंज होती है उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है ये मतलब टिपिकली आपका जो बोर्ड है उसके क्वेश्चन है खान साहब समझ आ गया तो आपको मतलब साउंड की जो स्पीड है खान साहब जो साउंड और स्पीड है इन एयर वाटर और कोई भी मेटल ले लीजिए आसपास ही है वो आपको याद होनी चाहिए याद मतलब याद होनी चाहिए थ्री थर्टी है आई थिंक एक में फाइव हंड्रेड है एक में फिफ्टीन हंड्रेड है देख लीजिए जितनी भी है देख के बताइए जरा देख के बताइए शाबाश इसमें नहीं है हा? देखो मैं कितनी है सा साहब ये ये देखिए ये फिगर आपको याद होनी चाहिए यार आप अभी नोट ही कर लो इसको ये जो फिगर है ना गैस में थ्री थर्टी वाटर में फिफ्टीन हंड्रेड और आयरन स्टील में फाइव थाउजेंड देखिए थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि जैसे मिस्टर अथर्व आपके साथ बैठे हुए हैं इनसे इनको ये नहीं आता बट आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मतलब फाइव टाइम्स लिक्विड हो गया और लिक्विड से फास्टर थ्री टू फोर टाइम्स मेटल हो गया इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता नोट कर लिया थ्री थर्टी फिफ्टीन हंड्रेड फाइव थाउजेंड ओके okay, तो ओके okay, और कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी यार ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन का कितना है ये तो दोनों सिलेबस को पता होना चाहिए आई थिंक ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड दिया होगा है ना ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड दिया होगा यही है ना कहाँ सब ही है ना ये भाई शायद कुछ पता नहीं क्या है वो देख रहे ना यार फिर एको का क्वेश्चन आ गया सोनार uh, का क्वेश्चन आ गया मिस्टर खान समझ आ गया ओके लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन आ गया फिर से वही स्पीड ऑफ साउंड वाला क्वेश्चन आ गया करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पे क्वेश्चन आ गया फ्रीक्वेंसी पिच पे क्वेश्चन आ गया करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वाला क्वेश्चन है लाइट साउंड वेव्स करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है कैलकुलेशन करना है नोमरिकल करना है ऑडिबल uh, ये आ गया यहाँ पर लिखा है ये ट्वेंटी थाउजेंड आई थिंक शायद कुछ ऐसा होगा कि गुड हियरिंग में और नॉर्मल हियरिंग में शायद कुछ फर्क होगा आई थिंक इसलिए हा शायद नॉर्मल और गुड में कुछ फर्क बता रहा है वो ओके okay, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है और जो डिटेल्ड क्वेश्चन है भाई वो इस तरह के कुछ बन रहे हैं एक्सप्लेन वाई साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल ये एमसीक्यू में और स्केच कर दीजिए शॉर्टर वेव और ग्रेटर एम्पलीट्यूड इसी पे स्केच कर दीजिए uh, यार ये एक्चुअली वेव्स का क्वेश्चन है और ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है डिफ्रैक्शन पे ये क्वेश्चन बनता है यहाँ मतलब ये वेव्स में आता है यहाँ पर ये क्वेश्चन आप बताएंगे वेव्स टॉपिक है डाउट है भाई क्या क्या है? क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं तो वेव शुरू हो जाता है खान सब समझ आ गए कैसे क्वेश्चन आपका साउंड सिंपल है आईसीसी वाले का डिफिकल्ट है आपका जो वेव टॉपिक है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा उस पर थोड़े से डेंजरस क्वेश्चन बनता ठीक है गुड